अगर हम मेंबर रहते हैं तो, राइट। सो जिस तरह से इसमें हम लोग 298 रुपीज जो है बहुत इजीली अच्छे से हम सेव कर सकते हैं, विच मीन्स 149 × 2 अगर हम लोग कर देंगे, राइट, आराम से यहाँ पे बहुत अच्छे से प्लस कर देंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे 298 रुपीज जो है हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे सेव कर पा रहे हैं, वो हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो हम यहाँ पे प्रोडक्ट देखेंगे, कंपैरिजन प्रोडक्ट जो हम यहाँ पे देखेंगे, कैलामाइन लोशन के लिए, राइट। हमारे यहाँ पे एक कैलामाइन लोशन का, सिर्फ एक पीस जो कैलामाइन लोशन है उसकी कीमत 100 रुपए रहेगी, जो कि 120 ml का रहेगा। और मार्केट में जो ये लैक्टो कैलामाइन जो आते हैं वो रहेंगे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव, जो कि 220 रुपए का रहेगा, राइट। एंड बिफोर यहाँ पे मैं एक चीज जरूर कोट करना चाहूंगी, क्योंकि हमारा ये जो सेशन है ये फेसबुक लाइव भी हो गया है, आप लोग अपने टीम मेंबर्स को भी ये जो फेसबुक लिंक है ये शेयर कर सकते हैं, कि अगर कोई ज्वाइन करना चाहते हैं इट्स नॉट टू लेट नाउ, सो वो बहुत अच्छे से इस लिंक को भी शेयर कर सकते हैं, राइट। सो 220 रुपए का रहेगा लैक्टोकैलामाइन लोशन, जिसके वजह से क्वांटिटी तो सेम रहेगी, 120 ml का रहेगा, जिसमें हम लोग यहाँ पे माइनस करके देखेंगे तो 120 रुपए एक प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग इजिली सेव कर ले रहे हैं, राइट। और केवल में अगर हम लोग दो प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन करें यहाँ पे, क्योंकि बाय वन गेट वन है, तो दो प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग 240 रुपीज जो है, 120 × 2, राइट, 240 रुपीज जो है हम बहुत ही इजिली यहाँ पे सेव कर पाते हैं। इनके साथ साथ अब 220 रुपए, दो लाइक 240 रुपीज जो है यहाँ पे हमें जो देखने को मिल रही है, अब हम एक प्रोडक्ट इतने में लेंगे, इससे अच्छा है कि हम दो प्रोडक्ट इतने में ले अपनी कंपनी से। इनके साथ साथ बिजनेस पॉइंट भी फिर हमें मिलेगी, और उनके ही साथ हमारा स्किन फ्रेंडली भी रहेगा, जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल भी रहेगा, राइट। नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट देखेंगे, विच इज एप्रिकॉट स्क्रब। ये जो एप्रिकॉट स्क्रब है, हम अपनी कंपनी की बात करें कि तो ये 100 रुपए का एक इसका प्रोडक्ट रहेगा, राइट, जो कि काफी ज्यादा अफोर्डेबल रहेगा, 100 ग्राम के रहेंगे। लोटस का अगर हम लोग यहाँ पे बातें करें, लोटस के तो 205 रुपए का रहेगा, एक की क्वांटिटी रहेगी, ईच 205 रुपीज के रहेंगे, 100 ग्राम ही रहेंगे, क्वांटिटी सेम रहेंगे, तो हम लोग एक प्रोडक्ट पे 105 रुपए बचा पा रहे हैं, बहुत अच्छे से सेव कर पा रहे हैं। दो प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग 210 रुपए जो है बहुत ही अच्छे से, 210 रुपीज जो है बहुत ही अच्छे से सेव कर पा रहे हैं हम। हर एक पर्सन के लिए एक सिंगल पेनी जो है, एक एक रुपए बहुत ज्यादा, बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है, राइट। तो हमारा ये जो नेटवर्क मार्केटिंग जो है, ये केवा कंपनी जो है, ये बहुत बड़ा हम लोग बोल सकते हैं समुद्र है, तो अब हमें इससे किस तरह से, हमें इससे बेनिफिट लेना है, और इस तरह से कुछ कुछ तो यहाँ पे हम बेनिफिशियल यहाँ पे डिस्कशन भी कर रहे हैं, तो ये हमारे ऊपर अब डिपेंड करता है कि हम किस तरह से इनका एडवांटेज लें जिससे हमें बेनिफिट हो, राइट। तो हमें यहाँ पे दो प्रोडक्ट के ऊपर बेनिफिट हो रही है, 210 रुपए हम बहुत इजीली अच्छे से सेव कर पा रहे हैं। नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट कंपैरिजन प्रोडक्ट देखेंगे, वो है हमारा रोज वाटर। ये जो रोज वाटर है, ये हमारी कंपनी का जो रहेगा वो कायपो रोज वाटर, 60 रुपीज का रहेगा, एक ईच 60 रुपीज का रहेगा, जो कि काफी अफोर्डेबल है, 100 ml के रहेंगे। और डाबर का हमारे पास अगर हम लोग बोलेंगे कि अगर आप मार्केट में देखेंगे, डाबर का जो लाइक गुलाब जल जो रहता है, रोज वाटर जो रहता है यहाँ पे, वो आपका 75 रुपीज का रहता है ईच बॉटल, राइट। क्वांटिटी सेम 100 ml ही है, एक प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग 15 रुपए बहुत इजीली सेव कर पाते हैं, माइनस करके देख सकते हैं, 75 × 75 − 60, राइट, बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ पे 15 रुपीज एक प्रोडक्ट पे सेव कर सकते हैं। दो प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग 30 रुपए बहुत अच्छे से यहाँ पे सेव कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे जो देखा कि किस तरह हम कंपैरिजन, हमने बहुत ज्यादा नहीं, कुछ कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट्स के बारे में, 4 प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ पे कंपैरिजन प्रोडक्ट के बारे में देखा कि क्यों हमारा प्रोडक्ट मार्केट प्रोडक्ट से क्यों बेस्ट है, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव जो हम लोग बोलते हैं, अफोर्डेबल जो बोलते हैं, सो दिस इज द रीजन, ये रीजन है इसको कॉस्ट इफेक्टिव बोलने का, अफोर्डेबल बोलने का, क्योंकि हमने यहाँ पे प्राइस रेट भी देखे, कितना ज्यादा हमें फायदे भी मिल रहे हैं यहाँ पे,
इनके साथ साथ स्किन फ्रेंडली भी है, जो कि हमारे स्किन के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक और हम एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं जो कि हमारे लिए, हमारे सेल्स के लिए बहुत इजी अच्छा रहेगा, और इनके साथ साथ उससे भी ज्यादा अच्छा रहेगा कि एक जो फीमेल है वो हाइजीन को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सके। बिकॉज अकॉर्डिंग टू सर्वे ऑलमोस्ट 23 मिलियन पीपल जो है, 23 मिलियन गर्ल्स जो है वो ड्रॉप आउट करती है एनुअली, मतलब हर साल स्कूल से, बिकॉज लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन के वजह से। मैनेजमेंट फैसिलिटी नहीं मिल पाता है, सैनिटरी नैपकिन का अवेलेबिलिटी नहीं हो पाता है, फेमिनिन हाइजीन बिन्स नहीं हो पाते हैं, अवेयरनेस नहीं रहता है मेंस्ट्रुएशन को लेके, और भी बहुत सारी चीजें। सो उन सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है ये हमारा एक्सटर्नल प्रोडक्ट, वन ऑफ द एक्सटर्नल प्रोडक्ट जो कि है हमारा विमेन हाइजीन केयर किट। ये जो विमेन हाइजीन केयर किट है, इसमें चार चीजें रहेंगे। सबसे पहले रहेगा काइपो ब्रेस्ट फॉर्मिंग लोशन, काइपो बट अपलिफ्टिंग क्रीम 50 ग्राम के रहेंगे, हाइजीन वॉश रहेगा, वजाइनल टाइटनिंग क्रीम रहेंगे 50 ग्राम की, राइट। सबसे पहला जो हमारा प्रोडक्ट रहेंगे इस किट के अंदर, जो कि ब्रेस्ट फॉर्मिंग लोशन है, इसमें आलो इंडिका एक्सट्रैक्ट है, अर्जुना है, बेल एक्सट्रैक्ट भी पाए जाते हैं जो कि इम्प्रूव करते हैं अपीयरेंस ऑफ द ब्रेस्ट को, टाइटन प्रोवाइड करते हैं। कभी कभी ऐसा रहता है कि जैसे जैसे एज होने लग जाती है या फिर बॉडी का अपना हम ख्याल नहीं रखते, क्योंकि अभी हम बहुत ज्यादा ऑयली जंक फूड खाने लग गए हैं, बहुत ज्यादा मसाले वाली चीजें, अनवांटेड चीजें हम इनटेक करने लग गए हैं, क्योंकि उसका टेस्ट हमको बहुत अच्छा लगता है इस वजह से, राइट। तो हर चीजें एक राइट अमाउंट में और सही तरीके से खाई जाए तो वो ज्यादा बेटर रहेगी। आजकल ये हर चीजें जो वाटर बॉल्स है, गोलगप्पे बहुत ज्यादा खाना, उसमें भी बहुत ज्यादा वैरायटीज आने लग गए हैं, राइट। तो उनके साथ साथ बहुत सारे जंक फूड का हम नाम ले सकते हैं, जिसके वजह से वो हमारे हेल्थ के ऊपर असर करेगी, हमें ओबेसिटी होगी, मोटापा बढ़ने लगेगा, और भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होंगे, जिसके वजह से हमारा स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होगा। एंड वन ऑफ द प्रॉब्लम एक ये भी होगा कि बहुत ज्यादा सैगिंग होने लग जाएगी, कोलेजन जो है वो काफी कम हो जाएंगे, कोलेजन कम होने की वजह से स्किन टाइट नहीं रहेगा, स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। तो ये जो लोशन है ये हेल्प करता है गॉर्जियस प्लम ब्रेस्ट के लिए, और इनके साथ साथ कोलेजन रिच फॉर्मूला है, इलास्टिन को ये लिफ्ट करने का ये काम, इलास्टिन जो है ये लिफ्ट करने का काम करते हैं, फॉर्म करते हैं, नरिश करते हैं, हेल्प करते हैं काफी ज्यादा फ्लैट और सैगी ब्रेस्ट जो होता है उनको, राइट। जिसके वजह से बहुत लोग ऐसा फीमेल सोचते हैं ब्रेस्ट इम्प्लांट्स के लिए, या फिर बहुत सारी लाइक सर्टेन प्रोसीजर्स ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, तो उसकी बिल्कुल भी जरूरत ना हो। ये हमारा जो लुक है, हमें जिस लुक से जैसे बनाया गया है, राइट, वही हम अपने आप को मेंटेन करें। हमारी ये ये हमारे लिए ऐसा नहीं है कि हम अपने बॉडी को खराब करने लग जाए, तो हमारा बहुत आई कैचिंग रहे, बहुत अच्छा रहे, हम अपनी बॉडी को अच्छे से मेंटेन कर सके, काफी ज्यादा सैगी ना हो या फिर कुछ खराब ना हो, या फिर हम अच्छे दिखे, जिसके वजह से हम ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, ब्रेस्ट फॉर्मिंग लोशन, राइट। जिसमें इसको यूज करने का जो तरीका है, इसको अप्लाई करना है जेंटली अराउंड द ब्रेस्ट लाइनिंग एरियाज, मसाज करना है अपवर्ड्स में, कभी भी डाउनवर्ड करके मसाज नहीं करना है अपनी बॉडी में, हमेशा अपवर्ड करके करना है, क्योंकि सैगिंग जो होती है वो हमेशा नीचे की तरफ आती है। सैगिंग का मतलब होता है कि हमारा स्किन नीचे की तरफ होने नीचे की तरफ आने लग जाना, काफी ज्यादा लूज होने लग जाना स्किन, राइट। सो जिस वजह से अपवर्ड पोर्शन में इसको मसाज करना है, तो ये स्किन को टाइटन रखने का भी काम करते हैं। लाइक 2 to 3 मिनट्स काफी अच्छे से आप मसाज कर सकते हैं। इनके साथ साथ फॉर द बेस्ट रिजल्ट, दिन में 2 बार इनकर इसको यूज करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। बट अप लिफ्टिंग क्रीम सेकेंड ये प्रोडक्ट रहेंगे, जो कि काफी ज्यादा एक्सक्लूसिवली लिफ्ट करते हैं, फर्म करते हैं बटक्स को। कभी कभी एक लाइक ये हर किसी की चाहत होती है,
कि हमारा बॉडी बहुत ज्यादा परफेक्ट रहे, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो. लेकिन अगर हम बात करें, यू नो, ज्यादातर फीमेल्स को, नॉट एवरीवन, लेकिन बहुत सारे, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स को जो लाइक फैट पोर्शन जो रहता है वो लोअर बॉडी पोर्शन में ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू अपर बॉडी पोर्शन. सो जिसके वजह से जो लोअर बॉडी पोर्शन है थोड़ा हैवी रहेगा, बैक पोर्शन थोड़ा हैवी रहेंगे, थाइज एरियाज जो है वो, लेग्स जो है वो काफी ज्यादा थोड़े हैवी रहेंगे. सो जिस वजह से ये जो क्रीम है ये काफी ज्यादा सेफ, आप सेफर है, यूज कर सकते हैं, इंक्रीज करते हैं, वॉल्यूमनाइज करते हैं. इनके साथ साथ जो एक फेमिनिन कर्व प्रोवाइड करते हैं उनके लिए भी बेटर रहेगा. और जैसे जिनके बॉडी पोर्शन काफी ज्यादा हैवी रहते हैं, हम कोई भी ड्रेसेस पहनते हैं काफी ज्यादा वो हैवी है या फिर वो सैग होने लग गया है, काफी ज्यादा यू नो लाइक स्किन जो है लूज होने लग गई है, सैगिंग काफी ज्यादा होने लग गया है, चलने में दिक्कतें आती हैं, एक तो बॉडी का शेप भी काफी खराब लगने लग जाता है, राइट. सो जिस वजह से एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है, टाइटन करता है, स्मूथ करता है हमारी स्किन को, स्टिमुलेट करते हैं ग्रोथ ऑफ एडिपोज टिश्यू, इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम ऑफ बटक्स को, और ये मिनिमाइज करते हैं स्ट्रेच मार्क्स एंड पिंपल्स को काफी ज्यादा, क्योंकि बॉडी जहां पे यू नो एनलार्ज होगी, बड़ी होगी, तो वहां पे स्ट्रेच मार्क्स काफी ज्यादा आएंगे. बड़े होने के बाद भी जब अगर बॉडी फिर से श्रिंक भी होती है उस टाइम भी काफी ज्यादा स्ट्रेच मार्क्स होते हैं. स्ट्रेच मार्क्स हमारा सेकेंड स्किन का जो सेकेंड लेयर होता है वो टीयर आउट होने लग जाता है, सेकेंड लेयर में वो टियर होने लग जाता है, इस वजह से स्ट्रेच मार्क्स आते हैं. ये स्ट्रेच मार्क्स को ठीक करते हैं. पिंपल्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, हाइजीन मेंटेन नहीं करना, प्रॉपर क्लोथिंग नहीं यूज करना, जिसके वजह से कॉटन के ड्रेसेस, लॉन्जरीज आप यूज नहीं कर रहे हैं, आप कुछ ऐसे लॉन्जरी यूज कर रहे हैं जो कि आपके लिए अच्छे ना हो, राइट. तो लाइक वो आपके स्किन फ्रेंडली ना हो तो उससे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हाइजीन मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से हो सकते हैं. सो इसमें कोकोनट ऑयल पाए जाते हैं बहुत अच्छे से, ग्लिसर इनके साथ साथ हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कोकोनट ऑयल इसमें पाए जाएंगे, जो कि बहुत अच्छे से ये मॉइस्चराइज करते हैं. ग्लिसरीन पाए जाते हैं जिसको ये मॉइस्चराइज नरिश करने का काम करते हैं. इसको यूज करने का जो तरीका है, बस कभी भी कोई भी चीज, जैसे कैसे हम लोग जब क्रीम ही अपने फेस पे लगाते हैं तो चेहरा साफ करके क्रीम लगाते हैं, वैसे ही हमारा बॉडी भी है, कुछ भी हम अपनी बॉडी में लगाएंगे क्लीन कर लेना है, उस पोर्शन को, बैक पोर्शन को थोड़ा सा ड्राई कर लेना है, क्लीन करने के बाद पैड ड्राई कर सकते हैं, अप्लाई करना है लिटिल अमाउंट में ताकि बहुत इजीली अच्छे से मिक्स कर सके, मसाज करना है 1 से 3 मिनट के लिए जब तक वो अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो जाए. इसको दिन में 2 बार यूज करते हैं, सुबह में और रात में आप यूज कर सकते हैं अच्छा रिजल्ट के लिए, राइट. नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट रहेगा वो रहेगा हाइजीन वॉश. ये प्रोडक्ट हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है. लाइक ये इस वजह से वन ऑफ दी, ये जितनी भी अभी हमने चीजों के बारे में बात की इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो हाइजीन वॉश है ये मेंटेन करता है वजाइनल के पीएच को, ये गायनेकोलॉजिकल केयर है, रिड्यूस करता है ईचिंग और इरिटेशन को, ये एक्सपर्ट इंटीमेट हाइजीन है, जिसके वजह से हाइजीन जो है यहाँ पे ये वॉश जेंटली क्लेंस सूथ करता है, बहुत अच्छे से वॉश करने का काम करते हैं, मॉइस्चराइज करते हैं एंड हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं सेंसिटिव इंटीमेट स्किन को, जो कि स्पेशली ये व्हेन इट बिकम्स ड्राई, काफी ज्यादा सूखा सूखा होने लग जाता है, ड्राइनेस होती है, इचिंग बहुत ज्यादा होने लग जाएगी. सो ये पीएच बैलेंस को मेंटेन करेंगे, ये जेंटल सेंट जो है बहुत अच्छे से प्रोवाइड करने का काम करते हैं. 95% 99% फीमेल को जो यू नो प्रॉब्लम्स होते हैं, इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, वो सही से हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, इस वजह से होते हैं. क्लोथिंग सही से नहीं रहेगा, लुकोरिया के प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, उस वजह से भी काफी ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं. लुकोरिया के प्रॉब्लम के टाइम लाइक मेंसुरेशन के टाइम, जो हर महीने जो मेंसुरेशन होते हैं उस टाइम भी बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होने का चांसेस हो सकता है. और सबसे ज्यादा यू नो अगर हम लोग नोटिस करेंगे
इवन आप सर्च भी कर सकते हैं, ये जो लाइक प्रॉब्लम्स जो रहते हैं ये सबसे ज्यादा ये हर किसी को होती है, लेकिन वो प्रॉब्लम्स को समझ नहीं पाते, इस वजह से वो प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। एंड स्पेशली जो कॉलेज में जो हॉस्टल में जो लड़कियां रहती हैं, राइट, जो लाइक जो रहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सबका पर्सनल पर्सनल, तो अब वहां पे वॉशरूम ये सारी चीजें नहीं रहेंगे, जिसके वजह से अगर पब्लिक वॉशरूम ये सारी चीजें यूज करेंगे तो अब हर किसी का बॉडी एक जैसा भी नहीं होता है, जिसके वजह से सबसे ज्यादा जो रेट होती है, सबसे ज्यादा जो चांसेस होते हैं वो डॉक्टर्स के पास वो इसी के रहते हैं कि बहुत सारे से फीमेल्स रहते हैं, बहुत सारे से गर्ल्स रहते हैं जिनको वजाइनल इन्फेक्शन के प्रॉब्लम काफी ज्यादा होने लग गए हैं, क्योंकि हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाने की वजह से, पब्लिक वॉशरूम यूज करने की वजह से, फिर बहुत कुछ ऐसा होता है, राइट। सो जिस वजह से ये जो प्रोडक्ट है हाइजीन वॉश जो है ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा। सो इसको यूज करने का जो तरीका है, जेंटली स्क्वीज करना है ट्यूब को, थोड़ा सा ड्रॉप लेना है हाइजीन वॉश का, अप्लाई एक्सटर्नली टू इंटीमेट एरियाज एंड वॉश कर लेना है इसको। इसको हमें कोई भी अपने स्किन के अंदर नहीं कुछ भी लगाना है, हमें इसको, ये एक्सटर्नल प्रोडक्ट है, हमें इसको स्किन के ऊपर ही यूज करने की जरूरत है, राइट। सो जिसके वजह से आप बहुत अच्छे से, कैसे जिस तरह से फेस वॉश करते हैं वैसे थोड़ा सा पहले वेट कर लीजिएगा उस एरियाज को, वजाइनल एरियाज को, इनके साथ साथ इंटीमेट एरियाज जो है बहुत अच्छे से आप क्लीन कर सकते हैं, जैसे पानी से, फिर आप प्लेन वाटर से वॉश कर सकते हैं, इस तरह से इसको करना है। जिसके वजह से अगर मेंसुरेशन के वजह से बहुत ज्यादा, अगर आप कुछ लाइक यू नो सैनिटरी नैपकिन आप यूज कर रहे हैं बहुत लॉन्ग टाइम तक, या फिर कुछ अच्छा सैनिटरी नैपकिन आप यूज नहीं कर रहे, हो सकता है कुछ भी आप यूज कर रहे होंगे, जिस वजह से हो सकता है कि आप हमारे यहाँ का अनायन सैनिटरी नैपकिन अगर यूज नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप मार्केट का यूज कर रहे हैं तो उसको थोड़ा लॉन्ग टाइम तक रखने की वजह से, या फिर आयरन चिप नहीं होता है तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे, तो ये बहुत अच्छे से यूज करना है। लुकोरिया के टाइम भी बहुत इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, इनके साथ साथ ऐसे भी अगर क्लोथिंग सही से नहीं रहेगी, बहुत पसीने रहेंगे, सारी चीजें रहेंगे, रैशेस काफी ज्यादा आने लग जाएंगे और बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होने के भी चांसेस रहेंगे, ये उनके लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगा। इनके साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारा प्रोडक्ट रहेगा वो रहेगा वजाइनल टाइटनिंग क्रीम, जो कि स्किन को काफी फॉर्मर फील करवाते हैं, डेंस रेप्लेनिश नेचुरल लुब्रिकेंट का काम करते हैं, हाइड्रेट करते हैं। ये वजाइनल टाइटनिंग क्रीम जो है ये हेल्प करते हैं, रिगेन करते हैं नेचुरल इंटीमेट टोन को, इलास्टिसिटी को, ये जो प्रोडक्ट है हमारा इंक्रीज करते हैं एस्ट्रोजन लेवल को एंड फॉर्म करते हैं न्यू टिश्यूज, हेल्प करते हैं, रिड्यूस करते हैं पिगमेंटेशन एंड लाइटन करते हैं कलर ऑफ इंटीमेट एरियाज। कभी कभी यू नो ऐसा होता है सही से हाइजीन मेंटेन नहीं करने की वजह से, और भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज, यू नो हम अपनी स्किन का सही से केयर नहीं करते हैं, और बहुत ज्यादा यू नो कभी कभी ऐसा लगता है कि बॉडी में से कुछ ओडर आ रहा है, तो बहुत ज्यादा यू नो हम लाइक डिओड्रेंट का यूज करने लग जाते हैं, तो डिओड्रेंट हमारे बॉडी के हर पार्ट के लिए नहीं होता है, राइट, हर चीजें हर बॉडी के लिए स्पेशलाइज रहती हैं। जैसे कि ये प्रोडक्ट जो है हमारा विमेन हाइजीन केयर किट, ये हाइजीन को मेंटेन करने के लिए स्पेशलाइज है, तो हमने ये यूज करना है, नॉट एनी अदर प्रोडक्ट, राइट। सो जिस वजह से जो काफी पिगमेंटेशन होने लग जाता है या फिर रैशेस काफी ज्यादा होते हैं उसके वजह से भी, उसके बाद में काफी ज्यादा डार्क होने लग जाता है, पिगमेंटेशन होने लग जाता है, डार्कर स्किन होने लग जाता है, तो ये स्किन को लाइटन करने का बहुत अच्छे से काम करते हैं, राइट, क्योंकि इसमें ऑलिव ऑयल पाए जाते हैं, आमंड ऑयल पाए जाते हैं, विटामिन ई इसमें पाए जाते हैं, काफी ज्यादा एलोवेरा एक्सट्रैक्ट पाए जाते हैं जो कि डार्कर स्किन को ये लाइट करते हैं। इसको यूज करने का जो तरीका है, आप इजीली इसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले फिंगर में थोड़ा सा आप इस क्रीम को ले लेंगे एंड डेफिनेटली अप्लाई ऑन द टिप ऑफ द वजाइना फॉर 2 times a day, दिन में 2 बार इसको यूज करना है फॉर 2 weeks, 2 हफ्तों के लिए, एंड सी द रिजल्ट। आप 2 हफ्तों में ही आपको दिखने लग जाएगा कि काफी अच्छा रिजल्ट जो है वो आने लग गया है। रिजल्ट वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन में, अब किसका बॉडी जो है कितना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर चुका है वो तो डिपेंड करता है। किसी किसी का यू नो इंटीमेट एरियाज जो रहते हैं, ये सारी चीजें रहते हैं, स्किन लूज होने लग जाते हैं, राइट, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। स्किन लूज होने लग जाता है, स्किन टाइटन नहीं रहते हैं वजाइनल एरियाज, तो जिसके वजह से अब ये उनको टाइटन करने का भी बहुत अच्छे से काम करते हैं, क्योंकि ये स्पेशली ये अर्लियर एज में भी होता है,
कि आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से अपना हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, और ये प्रेगनेंसी के बाद और ज्यादा होने लग जाता है, स्किन काफी ज्यादा लूज होने लग जाती है। तो हर किसी के लिए है जो कि यूज कर सकते हैं, टाइटन करते हैं स्किन को, रिजल्ट जो है वेरी कर सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सन टू पर्सन पे शुड बी यूज फॉर 3 मंथ्स फॉर अ वेरी गुड रिजल्ट। कम से कम 3 महीने के लिए इसको यूज करना है जिससे बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड हो सके। सो कोई भी चीजें धीरे धीरे करके ही बहुत अच्छे से असर भी करेंगी। और ये जो हमारा किट है विमेन हाइजीन केयर किट, ये हमारा कॉम्बो इंट्रो में भी आता है, किट में भी आता है, जो कि 2100 का रहेगा, 2100 रुपए के किट रहेंगे, आप कॉम्बो इंट्रो पैक बोल सकते हैं, जिसमें 2 पीस केवा विमेन हाइजीन केयर किट मिलेगा, 1 पीस केवा नेचुरल मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसमें और इनके साथ साथ 800 BP रहेगा, 400 जो इंट्रो पॉइंट है, जो भी डायरेक्ट इंट्रोड्यूसर होंगे उनको 400 इंट्रो पॉइंट मतलब 400 रुपए मिलेंगे, विच मीन्स 5,000 का प्रोडक्ट हमें 2100 में मिल रहा है, क्योंकि एक प्रोडक्ट की कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 2,000 रुपए है। तो दो इसमें किट है, विच मीन्स 4,000 रुपए हो गए। इनके साथ साथ 1,000 रुपए का यहाँ पे नेचुरल मैग्नीशियम क्लोराइड बिस्कोफाइट भी है, वो भी एक्सटर्नल प्रोडक्ट है, एक्सटर्नल यूज के लिए। सो जिस वजह से 5,000 का प्रोडक्ट 2100 में मिल रहा है, मतलब हमें 2900 रुपीज का, 2900 रुपए का फायदा हो रहा है। हम इसमें सेविंग्स भी कर पा रहे हैं और अपने हेल्थ को भी बहुत अच्छे से मेंटेन कर पा रहे हैं हम लोग। सो बी योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ, वैल्यू योर सेल्फ, फॉरगिव योर सेल्फ, ब्लेस योर सेल्फ, एक्सप्रेस योर सेल्फ, ट्रस्ट योर सेल्फ, लव योर सेल्फ एंड एम्पावर योर सेल्फ। एम्पावरमेंट काफी ज्यादा जरूरी है, सो जिसके वजह से हम हेल्दी भी रहे, हम अपने आप को हाइजीन मेंटेनेंस भी कर सके, हेल्दी भी रहे, और हम बहुत अच्छा एक अर्निंग का सोर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने लास्ट में यहाँ पे वेमेन हाइजीन केयर किट के बारे में यहाँ पे डिस्कशन की है, तो हम इनसे जैसे कि मेडिकल शॉप जो हो गए वहां पे ये आप बहुत अच्छे से रिटेल कर सकते हैं, जो नियरेस्ट शॉप हो गए वहां पे रखना है, मेडिकल शॉप में आपका बहुत अच्छे से ये रिटेल होगा, क्योंकि वहां पे हमेशा पर्सन आते ही आते हैं ये सारी चीजें परचेज करने के लिए, बस हमें उतना नहीं हो सकता है, नहीं पता होगा। वहां पे रहने से हमारा इनकम भी बहुत अच्छा जनरेट होने लग जाएगा, उनके लिए भी काफी अच्छा हेल्पफुल रहेगा, ताकि हम उनको एक हाइजीन प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। इनके साथ साथ बहुत अच्छे से हम इसका कैनोपी भी कर सकते हैं कॉलेजेस के पास, ये बहुत अच्छे से वहां पे भी बहुत अच्छे से रिटेल होंगे, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा वजाइनल इंफेक्शन ये सारी चीजों के जो रहते हैं, ये लाइक गर्ल्स हॉस्टल से बहुत ज्यादा ये इनके केसेस बहुत ज्यादा आते हैं, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा सुनने को मिलती हैं। अपने घर में भी हर एक फीमेल को, जितने भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर है, सबसे पहले 100% यूजर होना है। हर घर में कोई ना कोई फीमेल रहते हैं, हर फीमेल को ये प्रोडक्ट यूज करना है, जिसके वजह से वो हेल्दी रह सके, इन्फेक्शन से ये दूर रह सके। सो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा, आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आज के प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है, सो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, सो दैट आई कैन नो, एंड दिस इज हाउ इन सब की वजह से हम एक बहुत अच्छे स्मार्ट मेकर बन सकते हैं। सो डेफिनेटली ये जो सुमिता मैम आपका ये जो क्वेश्चन है, डेफिनेटली यहाँ पे एकता मैम भी आई बिलीव जरूर है, तो डेफिनेटली इसके लिए जरूर देखा जाएगा। बट यहाँ से ये जो है ये सिर्फ आपकी तरफ से भी आ रहा है, ऑल्दो इनके फीडबैक्स बहुत ज्यादा अच्छा है, बट यस वी विल लुक इनटू दैट। थैंक यू सो मच लक्ष्मी मैम, अभिजीत सर, और यहाँ पे हमने जो 4 प्रोडक्ट के बारे में जो कंपैरिजंस भी देखे थे वो भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और हमने खुद यहाँ पे कंपैरेटिवली भी देखा कि अच्छा भी रहेगा और काफी हाइजीन मेंटेनेंस भी रहेगा, कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा, अफोर्डेबल, तो हम लोग यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच पूनम मैम, थैंक यू सो मच देवराज सर, सागरिका मैम,
यस हमने यहाँ पे आज जो यहाँ पे चार प्रोडक्ट के बारे में जो डिस्कशन की थी कंपैरेटिवली, वो कोई भी वो प्रोडक्ट यूज कर सकता है, मेल फीमेल यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है. लेकिन ये जो हमने यहाँ पे डिस्कशन किया विमेन हाइजीन केयर किट के बारे में, ऑब्वियस वो तो विमेन के लिए रहेगा, बाकी वो जो चार प्रोडक्ट है वो कोई भी यूज कर सकता है. थैंक यू सो मच. सो आई बिलीव कि आज, थैंक यू सो मच निरंजन सर. सो आई बिलीव आज का सेशन हमारे लिए फ्रूटफुल जरूर रहेगा, और ये जो स्पेशली जो हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है कि इस तरह से हम बहुत अच्छे एम्पावरमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं और बहुत अच्छे एक स्मार्ट मेकर भी हो सकते हैं. सो फिर मिलेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट डे एक नेक्स्ट लाइक यूनिक टॉपिक के साथ. सो ओके पिम्पल्स पूनम मैम, मुझे बहुत अच्छे से मतलब आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर वर्ड. इट्स अ काइंड ऑफ यू हैव रिटन मराठी लैंग्वेज, सो कुछ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ कुछ वर्ड नहीं समझ में आ रहा है. तो अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. अगर जहां तक मैंने समझा है आपकी लैंग्वेज को, राइट, क्यों, बिकॉज मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आता है. आपने शायद पिंपल्स के बारे में पूछा है यहाँ पे, तो पिंपल्स के लिए हमारे पास बहुत अच्छे से सीवीड एक्ने क्लेरिफाइंग जो हमारा फेस क्रीम है आप वो यूज कर सकते हैं. स्किन लाइक एंटी एक्ने जो है, ओवरनाइट जेल जो है आप वो यूज करेंगे पिंपल के लिए, बहुत अच्छे से वर्क करेंगे. राइट सागरिका मैम, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ वेबिनार सो आई कैन नॉट अनम्यूट. सनस्क्रीन, अगर बहुत ज्यादा ऐसे क्योंकि हम सनस्क्रीन ये सारी चीजें लगाते हैं तो डेफिनेटली जो पसीने निकलते हैं ना, ठीक है कोई बात नहीं, उसके क्वांटिटी को आप थोड़ा सा कम कर दीजिए, वो आप कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा पाउडर लगा सकते हैं, क्योंकि पाउडर जो रहता है वो थोड़ा सा कंट्रोल करने का काम करते हैं. पाउडर लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से वर्क करेगा, या फिर सीसी क्रीम कर सकते हैं, इस तरह से आप करेंगे थोड़ा सा वो कम हो जाएगा. और उनके साथ साथ आप ये चीजें जो है, आप SPF 50 जो है आप वो यूज करिए सागरिका मैम, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा धूप में जाते हैं तो, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि उसमें वाटर रेजिस्टेंस फॉर्मूला भी है, तो आप जितना अगर पसीने भी आते हैं डजेंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका इफेक्ट जो है वो कम नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, वो इफेक्ट रहेगा. सो आप ये कर सकते हैं, थोड़ा सा पाउडर से पैड ड्राई कर लेंगे तो फिर वो दिक्कतें जो है वो थोड़ा कंट्रोल हो जाएंगी. कैलामाइन लोशन मेन यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली आप जो मेल पर्सन है वो कैलामाइन लोशन यूज कर सकते हैं, वो मेल फीमेल दोनों के लिए है. इनफैक्ट सागरिका मैम, ये भी एक ये जो कैलामाइन लोशन जो है ना, आप एक काम करिएगा फेस वॉश करने के बाद, ये सबके लिए कैलामाइन लोशन में थोड़ा सा मैटिफाइंग इफेक्ट होता है. जिनको बहुत चिपचिपा सा फील होता है, बहुत लगता है कि ऑयली स्किन है, कैलामाइन लोशन लगाएंगे ये थोड़ा सा मैटिफाइंग असर करेगा. उसके बाद आप सनस्क्रीन लगाइए, तब उतना शायद से नहीं वैसा प्रॉब्लम होगा, राइट, क्योंकि मैटिफाइंग असर करता है. एंड डेफिनेटली कैलामाइन लोशन मेल्स भी यूज कर सकते हैं. पूनम मैम, आई होप मैंने आपका आंसर पहले ही दे दिया था. तो पिंपल्स के लिए हम लोग ओवरनाइट जेल पिंपल के प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, ओवरनाइट जेल हम लोग यूज कर सकते हैं, सीविड एक्ने क्लैरिफाइंग फेस क्रीम यूज कर सकते हैं, सारी चीजें तो बहुत अच्छे से वर्क करेंगे. एग्जैक्टली तो आप जैसे कि थोड़ा सा स्किन अगर डार्क थोड़ा सा दिखता है तो क्योंकि शायद हमने कल ही यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे, कल कर रहे थे या फिर कुछ दिन पहले हम कर रहे थे यहाँ पे डिस्कशन कि सनस्क्रीन जो होते हैं ना, यस कल कर रहे थे कि सनस्क्रीन हमें लगाते ही बाहर नहीं जाना है, 20 मिनट्स पहले हमें लगाना है, जिसके वजह से वो स्किन में सेट हो. सेट नहीं होता है, हम ऐसे ही चले जाते हैं जिस वजह से हमें ऐसा लगता है, तो कम से कम 20 मिनट पहले हमें लगा के जाना है. सागरिका मैम, एक बार आप डिस्कस कर लीजिएगा मेरे से तो बेटर रहेगा सदा, राइट.
बिकॉज हम पिंपल को सॉरी बिकॉज हम पसीने को तो हल्का सा मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन हम उसको रोक नहीं सकते हैं। पसीने आना अच्छी बात है, लेकिन अगर वैसा बहुत ज्यादा ऐसा कुछ हो रहा है, एक बार जरूर आप उनसे एक बार डिस्कस कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक बार प्लीज आप मेरे से यहाँ पे डिस्कस कर लीजिए, ताकि जिससे मुझे भी पता चलेगा कि आपका स्किन का रूटीन क्या है, आप किस तरह से स्किन केयर करते हैं, क्या लगाते हैं क्या नहीं लगाते हैं, तो वो बेटर रहेगा ज्यादा। थैंक यू सो मच। ओके, मेरे से कैसे बात कर सकते हैं आप? मैनेजमेंट में एक बार जो है वहां पे कॉल करके आप डिस्कशन कर सकते हैं, वहां से बोल सकते हैं, तो आप जरूर फिर मेरे से बात कर सकते हैं। इवन आप एकता मैम जो है, एकता मैम से भी बात करेंगे तो फिर उनसे भी बात हो जाएगी, फिर मेरे से भी आपसे बात हो जाएगी, राइट? तो इस तरह से कर सकते हैं। स्वेटिंग इज नॉट बैड, स्वेटिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अगर हमारी बॉडी में स्वेटिंग नहीं होगी तो हमारा बॉडी जो है वो कभी नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं आएगा। हमारे बॉडी में जो हीट होती है, स्वेटिंग जो है, स्वेटिंग बाहर आती है, उसके थ्रू हमारा हीट को कंट्रोल करने का काम करती है। नेवर एवर ट्राई टू स्टॉप दिस स्वेटिंग, राइट? लेकिन ये जो है हाँ, अगर बहुत ज्यादा ऐसी कुछ आ रही है तो डेफिनेटली वी विल डिस्कस, क्योंकि बहुत सारे उनके सर्टन रीजन अलग अलग रहते हैं, तो जिस वजह से हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, राइट? मस्ट भी हो सकता है कि आपका स्किन बहुत ज्यादा ऑयली होगा और आप क्रीम यूज कर रहे होंगे, ये हो सकता है, राइट? आप बहुत चिपचिपा वाला कुछ क्रीम यूज कर रहे होंगे और आपका स्किन जो है वो ऑयली होगा, थोड़ा स्टिकीनेस होगा, जिस वजह से आपको और ज्यादा चिपचिपा सा वैसा कुछ लग रहा होगा। एक बार इसी वजह से एक बार आप डिस्कस कर लेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। आप विटामिन सी फेस वॉश यूज करिए, सिंपली आप विटामिन सी फेस वॉश यूज करिए। इनके साथ साथ आप बहुत अच्छे से कैलामाइन लोशन यूज करिए, बहुत अच्छे से वर्क करेगा। आप बस इतना ही चीजें यूज करिए, आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आप कहीं बाहर धूप में जाते हैं तो आप सनस्क्रीन लगाइए, अदरवाइज सुबह में भी वही लगाइए, रात में भी वही लगाइए, कैलामाइन लोशन और फेस वॉश के साथ। ये आपका जो स्किन बहुत ज्यादा, आपको जो पसीने बहुत आते हैं, बहुत चिपचिपा सा लगता है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होता है, वो आपको नहीं होगा, क्योंकि ये मैटिफाइंग असर करेगा। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली एक बार आप जरूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छे से ये असर भी करेगा। स्किन रैशेस, अगर स्किन रैशेस ऐसा कुछ इरिटेशन होता है तो आप जरूर इसको यूज कर सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे से वर्क करेगा। अगर आपको लगता है कि आपका स्किन बहुत सेंसिटिव है, कोई भी चीज अगर हम टेस्ट करके लगाए तो ज्यादा बेटर होगा। हमारा स्किन का जो ये वाला पोर्शन एरिया रहता है, थोड़ा सा आप क्रीम या कुछ भी चीज अगर ले रहे हैं, एक्सेप्ट फेस वॉश, फेस वॉश को छोड़ के, क्योंकि वो पानी से धुल जाता है, राइट? थोड़ा सा लेके क्रीम यहाँ पे आप लगाएंगे, अगर आपको कुछ भी फील वैसा सेंसेशन नहीं हो रहा है, कुछ भी वैसा नहीं हो रहा है थोड़ी देर तक रखने के बाद भी, विच मीन्स आपके स्किन के लिए वो सिटेबल है, यहाँ पे आप पैच टेस्ट कर सकते हैं, राइट? इस तरह से कर सकते हैं। कैलामाइन लोशन जो है ये हमारे स्किन को मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करता है, मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है। स्किन में जैसे रैशेज होने लग जाते हैं, काफी ज्यादा स्किन ईचिंग होने लग जाती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, पिंपल बहुत ज्यादा होने लग जाते हैं, ये उनको भी कंट्रोल करने का काम करते हैं, ये मैटिफाइंग असर देते हैं, तो ये स्पेशली मॉइस्चराइजेशन उन सबके लिए बहुत अच्छे से काम करते हैं, राइट? ओके, सो आई होप यू गॉट दी आंसर। एंड अगर किसी का कोई भी क्वेरी छूट गया है तो वी विल ट्राई कि हम लोग नेक्स्ट में जरूर इसको यहाँ पे आंसर करें। एंड लाइक एज पर मी, आई बिलीव कि मैं जितने भी क्वेश्चंस हैं, हमने यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन करने की, क्लियर करने की यहाँ पे बहुत अच्छे से किया है, राइट? सो फिर मिलेंगे हम लोग एक न्यू यूनिक टॉपिक के साथ नेक्स्ट कभी, जब हम लोग मिलेंगे। सो तब तक के लिए स्टे सेफ ऑल, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गिविंग अस अ प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच।